हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग फिर से क्लास सिक्स के चैप्टर टू का पार्ट वन ख़त्म करके पार्ट टू स्टडी करने वाले हैं पार्ट वन में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे कलेंग जो है वो अपने सिस्टर की वेडिंग के लिए पाँच दिनों के लिए अपने घर से बाहर जाना चाह रहा है और वो डर रहा है कि उसकी हाजिरी में वो डेमन आकर उसके वाइफ को प्रॉब्लम ना दे ठीक है तो हमारा पार्ट वन का लास्ट लाइन कहता है कि शी अश्योर्ड हर husband दैट शी विल कीप द चिल्ड्रेन सेफ अंडर हर केयर ठीक है तो वो अपने कलियाओं को ये प्रॉमिस करती है कि वो चिल्ड्रंस को सेफ रखेगी सी सेट डियर कोल्योंग यू मे गो विधाउट एनी फियर आई एम कैपेबल इनफ टू हैंडल एनी सिचुएशन तो उसने बोला कि आप आराम से जाओ मैं यहाँ पर कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर लूँगी कल्योंग सेड आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर कैपेबिलिटीज़ बट द डेमोनलेस इज़ वेरी कर्निंग ठीक है और यहाँ पर कल्योंग ने बोला कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ तुम्हारे ऊपर पर जो डेमन है वो बहुत ही ज़्यादा चलाक है कनिंग का मतलब होता है चलाक ठीक है शी विज़ ओनली दोज हाउस वेयर देर आर ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन होम शी कैन ईजिली पावर पावर ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर कलेवंग बोलता है कि जो डेमन है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी घर में जाती है जहाँ पर वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं ताकि वो आसानी से उन पर कब्जा जमा सके ठीक है ऑन हियरिंग दिस एबेका रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली नो ईविल विल बिहाव आर फैमिली लेट द डेमन कम आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हर बींग ए श्योर बाय हिज वाइफ कैलियंग फॉर शशिकास विलेज ठीक है और जैसे ही अबिका ने यह बात बोला कि किसी को कुछ नहीं होगा ये मेरा प्रोमिस है मैं सबको संभाल लूँगी तो कलेंग अपने सिस्टर्स की वेडिंग के लिए निकल गया अबेका वॉज अलोन एट होम विथ चिल्ड्रन सी टुक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस एंड लास्ट ऑल द डोरस एंड विंडोज ऑफ द हाउस वेल बिफोर सनसेट ठीक है जैसे ही कल्योंग निकल गया तो अबेका जो है वो बहुत ही ज़्यादा तैयार हो गई थी कि वो हमेशा प्रिकॉशंस में रहती थी तैयारी में रहती थी और जैसे ही सूर्य ढलने वाला होता था वो अपने सारे डोर्स और खिड़कियों को पूरा अटैच कर देती थी पूरा पैक कर देती थी ताकि कोई भी एंटर ना हो सके ठीक है सी सर्व डिनर टू हर चिल्ड्रेंस एंड सेंट हेम देम ऑफ बेड अर्ली ठीक है यानी कि वो अपने चिल्ड्रंस को जल्दी ही खाना खिला देती थी यानी सूर्य ढलने से ही वो अपने चिल्ड्रेन को खाना खिला के सुला देती थी ठीक है और लेट नाइट शी हर्ड नॉकिंग एट द डोर और उसी रात को मतलब रात के बीच रात में यानी कि बारह साढ़े बारह बजे उसे कुछ आवाज आई डोर पर कि को, को, कोई नॉक कर रहा है डोर ठीक है इट डिड नॉट अबेका मस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड हु वॉज एट डोर ठीक है और एबिका समझ गई कि डोर पे कौन है ठीक है द करेजियस एबेका गैदर्ड ऑल हर स्टेंट्स गॉट रिट ऑफ हर पियर एंड क्राइड इन हस्किज वॉइस ठीक है तो जैसे ही अबेका को मालूम चला कि डोर पर डेमन है ठीक है वो समझ गई कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है उसने अपनी पूरी करेज यानी कि अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उसने बोला कि कौन है डोर पे इतने रात को ठीक है द नोकिंग स्टॉप एंड स्ट्रेंज वॉइस फ्रॉम आउटसाइड सेल्ट इस कल्योंग इन द हाउस ठीक है और डेमन ने पूछा जैसे ही ये आवाज़ आया बेकाका तो नॉकिंग रुक गया यानी कि दरवाजे पे जो ठट्टार थी वो रुक गई और वहाँ से डेमन ने पूछा कि क्या कल्योंग घर पर है ंग कॉन्फिडेंस एबेका प्रट हर हजबेंड वॉज एट होम ठीक है और जैसे ही इसका डेमोन का आवाज सुना तो अबेका ने जो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ जो प्लान उसने किया था उसने बोला कि हाँ कल्योंग घर पर है यानी कि अबेका ने बहुत ही चलाकी से बोला कि हाँ कल्योंग घर पर है ठीक है आई एम स्पोक लाउडली सो दैट डेमोन ने स्कूल ही है। और उसने बहुत जोर से बोला था कि डेमोन जो है वो सुन लेडिंग सम वन हैज कम टू मीट यू एट दिस लेटर ठीक है उसने बोला कि कल्योग कोई आया है आपसे मिलने के लिए इतनी रात को ठीक है क्या मैं जाके दरवाज़ा खोलूं या फिर आप खुद जाओगे उनसे मिलने के लिए जैसे ही डमन ने यह आवाज़ ये बात सुनी तो वो फटाफट जंगल की ओर भाग गया ठीक है विथ इन अ सेकेंड सी हर्ड फूड स्टप रिटर्निंग टू द जंगल द नेक्स्ट नाइट केम अगेन एट द सेम आर सी आक्स द सेम क्वेश्चन एंड बेट का आंसर विद द सेम कॉन्फिडेंस शोइंग एनी फियर और अगले दिन सेम टाइम पे वो डेमोन फिर आया और उसने फिर से सेम क्वेश्चन पूछा और एबेका ने वही सेम आंसर दिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ द डैमोनलेस रिटर्न बट शी डिड नॉट गिव अप एंड कीप ट्रेवलिंग एबेका फॉर फोर नाइट्स ठीक है और वो डेमोन जो था वो वापस चला गया लेकिन दोनों ही हार मारने के तगाद पे नहीं थे ठीक है वो डेमन जो था वो हर चार दिन में लगातार आया ठीक है हर चार दिन वो लगातार आते रहा और एबिका को परेशान करते रहा However, she could not shake Abeka's confidence and courage. और वो Abeka की जो confidence और courage है, उसे वो बिल्कुल हिला नहीं सका थी कि On the fifth day, Kalyong returned home after the fall of dust. ठीक है और जैसे ही पांचवा दिन हुआ, Kalyong अपने घर वापस आया शाम होने से पहले ठीक है। His wife narrated the incident of the past four nights to him. ठीक है और उसके wife ने बताया पूरे चार दिन की कहानी कि कैसे वो डेमोन आता था और ये क्वेश्चंस पूछता था और कैसे वो डेमोन को अपना आंसर देके वापस जंगल भेज देती थी ठीक है ही लिसन टू हर अटेंटिवली यानी कि अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान से ठीक है तो कैल्योंग जो है अपनी वाइफ की पूरी पास की कहानी अच्छे से सुनता है और दोनों कपल प्लान करते हैं कि उसे डेमोन को यानी कि अच्छे से सबक सिखाया जाए ठीक है एंड द कपल प्लान टू टीच द डेमोन अ लेसन एज यूजल ऑन द फिफ्थ डे द डेमन केम अगेन टू अबेका हाउस लेट एट नाइट सी आस्क द सेम क्वेश्चन इज कलॉन्ग एट होम ठीक है और पांचवें दिन फिर से डेमन कल्योंग के घर आता है और सेम क्वेश्चन पूछता है कि कलयोग की कल्योंग घर पे है कि नहीं ठीक है तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट टू में ये पढ़ा है कि जो कलेंग है वो अपनी सिस्टर्स की वेडिंग में जाता है और डेमोन जो है लगातार चार दिन अबिका के घर में आके कर को परेशान करता है लेकिन अबिका जो है वो बहुत करेजियस है और साथ ही साथ सांत वो अपने सिचुएशन को हैंडल करके कैसे भी करके डेमोन को भगा देती है लेकिन जब पाँचवें दिन जो है कल्योंग वापस अपने घर आता है तो उसकी वाइफ उसे पूरी स्टोरी समझाती है कि क्या स्टोरी है और इससे दोनों कपल जो है वो प्लान करते हैं कि डेमन को सबक सिखाया जाए ठीक है और पांचवें दिन डेमन फिर से आता है और इस दिन जो कल्योंग है वो अपने घर में ही रहता है ठीक है तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस स्टोरी का पूरा एंड खत्म करेंगे ठीक है यानी कि पार्ट थ्री में हम लोग इस स्टोरी का अच्छे से एंड करेंगे और मालूम चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर किस तरीके से अपना रोल्स निभाया ठीक है और कैसे इन लोगों ने जो डेमोन है उसको सबक सिखाया ठीक है तब तक के लिए आप दोनों पार्ट वन और पार्ट टू को अच्छे समझ लें कि स्टोरी किस वे में जा रही है और आखिर में एंड किस तरीके से होगा हालांकि मुझे मालूम है कि कुछ लोग को अभी भी स्टोरी समझ में आ चुका होगा कि एंड में आखिर क्या होने वाला है ठीक है तब तक के लिए आप पार्ट वन पार्ट टू को अच्छे समझेंगे थैंक यू